हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू टैक्टिक्स तो यहाँ पर काफी समय बाद नथिंग वन यूज को ध्यान में रखते हुए नथिंग ने आप पर लेकर आ गया एक नई अपडेट नथिंग फोर फॉर नथिंग फोन वन तो आज हम इसी नथिंग फोन वन पर अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं और क्या नए फीचर्स एड किए गए बग फिक्सेस वगैरह जो भी इसमें ऐड किए गए हैं वो सब हम आज बात करने वाले इसके बारे में तो गाइस शुरू करते हैं सबसे पहले हम चेंज लॉक से हम पहले चेंज लॉक पढ़ेंगे फिर हम अपडेट फ्लैश करेंगे सो अकॉर्डिंग टू चेंज लॉक जो निथिंग टू पॉइंट फाइव में एक फीचर इंक्लूड किया गया था गाइस यहाँ पर हिडन आइकन्स का यानी कि जब आप ऐप डॉर में जाते हैं और स्वाइप राइट करते हैं तो हिडन आइकन्स का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है यानी आप ऐप के आइकन्स को हाइड कर सकते हो वहां पर सिंपली वो ऑप्शन आपको इसमें भी, भी देखने के लिए मिलेगा फोटो विडि जो कि नथिंग वो टू पॉइंट फाइव बीटा में देखने के लिए मिला था वही सेम यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है तो वो हम देखेंगे इंस्टॉल करने के बाद कैसा काम

वो व्हाट्सएप पे काम नहीं कर रहा था कुछ लोगों के लिए वो फिक्स कर दिया गया इसके अंदर और जो लास्ट यहाँ पर लिखा गया है इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ वाई फाई हॉटस्पॉटिंग तो हॉटस्पॉट में कुछ इश्यूज आ रहे थे लोगों को जब हॉटस्पॉट ऑन करते थे, थे तो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे वो सब भी इसमें फिक्स कर दिया गया और बाकी जनरल बग फिक्सेस ऐसा मैंशन किया गया अब ये तो गाइज हो गया चेंज लॉक जो कि नथिंग ने सामने से हमें लिख कर दिया बट ऐसा होता है कि कुछ अंडर होर्ड ऑप्टिमाइजेशन एंड अंडर होर्ड फीचर्स भी ऐड किए जाते हैं क्या वो इस अपडेट में हुए हैं नहीं वो हम देखने वाले तो चलो यहाँ पर मैं डाउनलोड बटन पर अभी क्लिक कर देता हूँ

ओके फाइनली नौ बज गए और यहाँ पे हमारा फोन भी बूट हो गया तो अभी इसे अनलॉक करते हैं हम यहाँ पे मेरा पासपोर्ट डाला हुआ है है ठीक okay, ओके तो सारे विजिट वगैरह आ गए अभी होम स्क्रीन के ऊपर अभी गए यहाँ पर मैं आपको लेकर जाऊंगा सेटिंग में सबसे पहले और हम देखेंगे वर्जन अभी यहाँ पर क्या चेक हो रहा है तो अबाउट फोन में जाएंगे 2.0.2 से मैंने डायरेक्टली फोर पर अपडेट कर लिया ऐसे स्पेस फॉर फोर पर आप बिल्ड नंबर देख सकते हैं इसमें हम पहले देखेंगे एंड्रॉड वर्जन एंड्रॉइड 13 मिलेगा सितंबर 1 का सिक्योरिटी पैच मिलेगा इवन यहाँ पर प्ले सिस्टम अपडेट भी जो है वो फर्स्ट सितंबर की देखने के लिए आपको मिल जाएगी कर्नल वर्जन आपको फाइव देखने के लिए मिल जाएगा क्यू जी ओके तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे जो चेंज लॉग में बताया गया था पहले हम वो देख लेते हैं सो so, यहाँ पर बताया गया था कि यस यहाँ पे अगर हम साइबराइड करते हैं तो हिडन आइकन का ऑप्शन आ गया ठीक है तो यहां पर मैं कोई ऐप ऐड कर दूंगा जैसे कि अगर मैं बैटल ग्राउंड हाइड करना चाहता हूँ राइट तो बैटल ग्राउंड अभी पर हाइड हो गया है अगर मैं होम स्क्रीन पर जाऊंगा तो यहाँ पर बैटल ग्राउंड का आइकन नहीं मिलेगा क्या ये आपका जो डेस्कटॉप है वहां पर रहेगा आइकन तो मैं एक बार एक काम करता हूँ पहले अमेजोन ऐप को डेस्कटॉप पर रखता हूँ अब यहाँ से हम जाएंगे और अमेजॉन को भी हिडन एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे तो बैक करते हैं एमेजॉन भी आ गया है अमेजोन ओके होम स्क्रीन से भी हट गया है इवन हमारे एड्रॉर से भी हट गया है. तो अभी इसको एक्सेस करना है तो स्वाइप राइट right करना पड़ेगा आपको mm -hmm. मतलब बिल्कुल ही एड से करोगे तो बैक हो जाएगा तो थोड़ा सा स्पेस देकर करेंगे अमेजोन और बैटल ग्राउंड हिडन स्पेस में आ गया है यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो या फिर लॉन्च कर सकते हो इसको मैं अगर हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से सिंपली हटा सकते हैं बाकी सारी एप्लीकेशन को आप ऐड कर सकते हो हिडन स्पेस के अंदर या फिर हिडन आइकन्स के अंदर अभी दूसरी चीज बताई थी विजिट कर लॉक स्क्रीन के ऊपर विजिट काम नहीं कर रहे तो पहले मैं लॉक स्क्रीन पर विजिट्स एड कर लेता हूँ ओके okay, काम कर रहा है बूट होने के ऊपर काम नहीं करता ऐसा बताया गया था जल्दी तो मैं फोन को एक बार रिबूट कर लेता हूँ जल्दी से तो फोन बूट हो गया है और लॉक स्क्रीन के ऊपर अभी सिर्फ बड़े वाली क्लॉक आई है तो देखते हैं कि विरिश्च कब तक यहाँ पर आते हैं हम इसे बंद करके खोलते हैं एक बार ओके आई थिंक पहली बार हमें पैटर्न अनलॉक करना ही पड़ेगा पैटर्न हमने अनलॉक कर दिया है और अभी होम स्क्रीन पर तो विजिट्स आ गए पर भी विजिट्स आ सो नॉर्मली ये काम तो कर रहा है कोई दिक्कत अभी नहीं आ रही है यहाँ पर अभी हम बात करते हैं हमारे थर्ड फीचर की जो ऐड किया गया है मतलब जो इम्प्रूव किया गया है वो था हमारा चार्जिंग का जो है अभी आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लॉक स्क्रीन पर दिखेगी चार्जिंग स्पीड तो चार्जिंग रैपिडली अभी बता रहा है यहाँ पे तो आई थिंक पहले इश्यू ये था कि चार्जिंग रैपिडली जब आप फास्ट चार्जिंग करते हो तब भी यहाँ पे चार्जिंग नॉर्मली हो चार्जिंग स्लोली बता रहा होगा आ, मैं इस बग से अभी अवेयर नहीं हूँ क्या बग था बट ऐसा फिक्स किया गया कि अभी चार्जिंग इन्फॉर्मेशन जो है ये अच्छे से एक्यूरेटली आपको विजिबल रहेगी अभी हम देख लेते हैं विजिट्स के अंदर कुछ ऐड किया गया, गया। तो विजिट्स में यस कंपस आप देख सकते हैं यहाँ पर नथिंग लॉन्चर जो है इसमें कंपस एड कर दिया गया इसको इनेबल करने के लिए सिंपली वन टाइम आप टैप करेंगे और फिर जब आप जैसे आपके फोन को मूव करेंगे किसी भी डायरेक्शन में तो ये आपको करेक्ट डायरेक्शन बताएगा जैसे कि अभी वेस्ट उस तरफ है राइट तो इसको बंद करने के लिए सिंपली वन टाइम टैप कर दो तो ये काम करना बंद करेगा और आपकी बैटरी बच जाएगी अब बात करते हैं व्हाट्सएप क्लोन को जो है आप लॉक नहीं कर पा रहे थे ये बग आ रहा था कुछ लोगों को फेस हो रहा था जो तो एप्स के अंदर हम जाएंगे पहले हम यहाँ पर क्लोन एप्स में जाएंगे और व्हाट्सएप का क्लोन बना देंगे ठीक है तो द कॉपी ऑफ व्हाट्सएप हैज बीन इंस्टॉल्ड देखते हैं ठीक है ये है व्हाट्सएप का कॉपी ठीक है अभी इस पर हम लॉग वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं अब मैं इसको लॉक करना चाहूंगा तो एप्स में हम दोबारा जाएंगे फिर हम जाएंगे ऐप लॉकर के अंदर और यहाँ पर आपको पैटर्न वगैरह आपका डाल देना है पैटर्न मैंने डाल दिया है अभी हम व्हाट्सअप क्लोन देखते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप टू यहाँ पर आ रहा है इसको हम टिक कर देंगे तो अभी ये लॉक हो चुका है ठीक है तो अभी हम देखते हैं कि जब हम इसे ओपन करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है ठीक है तो वेरीफाई आइडेंटिटी का ऑप्शन आ चुका है यानी कि व्हाट्सएप क्लोन पर भी अभी लॉक लग रहा है अच्छे से काम कर रहा है सो ठीक है ये बग भी फिक्स हो गया है <laughs> इवन मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया था पहले क्योंकि मैं क्लोन वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ तो मुझे नहीं पता ये क्या इशू था ठीक है और एक और चीज जो बताई थी वो था फोटोज के अंदर तो विरिट्स में हम जाएंगे यहाँ पर फोटोज का एक विरिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर इसे ड्रैग एंड्रॉप अप कर सकते हैं और ऐड फोटोज कर सकते हैं तो आपकी गैलरी में जितने भी फोटोज वगैरह होंगे वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके ऐड कर लीजिए और फिर ये आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ऑटोमेटिक शफल का ऑप्शन आर्ली या फिर डेली पर आप सेड कर सकते हैं इसको और यहाँ पर ग्रे स्केल भी आप इनेबल कर सकते हो या फिर फ्रेम वगैरह भी आप इस पर इनेबल कर सकते हो वो देखते हैं कि अभी कैसा नजर आएगा अभी विदाउट फ्रेम कुछ ऐसा नजर आ रहा है अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ एडिट आइकन पर क्लिक करता हूँ और फ्रेम पर क्लिक करता हूँ तो अभी इस पर फ्रेम आ चुका है अभी फोटो नॉर्मली नजर आता है अगर मैं इस पर दोबारा से जाता हूँ और ग्रे स्केल करता हूँ तो यहाँ पर मोनोक्रोम में आपको नजर आएगा यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाई देंगे आपके फोटोज और ये फोटोज आर्ली या फिर डेली आप जो है स्विच कर सकते हैं ऑटोमेटिकली सेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है अब वाईफाई हॉटस्पॉट का जो इशू है गाइस वो मैं पहले भी फेस नहीं कर रहा था और अभी भी आई थिंक मैं यहाँ पर आपको इनेबल करके बताता हूँ हॉटस्पॉट तो ये हॉटस्पॉट है इसको इनेबल कर दिया इनेबल तो हो गया है और इसमें आई थिंक कोई इशू भी नहीं आ रहा है नथिंग फोन वन यहाँ पर डिफॉल्ट ना आपको मिलता है मैं बैंड भी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ ये ऑन हो रहा है या नहीं देख लेते हैं तो इस पर भी ये ऑन हो रहा है और कनेक्ट भी हो ही जाएगा गाइस जब ऑन हो रहा है तो, तो मुझे कोई बग फेस नहीं होता हॉटस्पॉट पर बट अभी जो भी था वो फिक्स हो गया ऐसा नथिंग का कहना है तो ठीक है ये थे गाइज जो चेंज लॉग में लिखा गया था वो सब मैंने आपको बता दिया अब हम बात करते हैं कि क्या इसमें अंडर द हुड इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं तो ये नथिंग फोन वन का ऑफिशियल ग्लोबल ग्रुप टेलीग्राम के ऊपर और मैं यहाँ पर देख रहा था कि यूजर्स को क्या नया देखने के लिए मिला है तो यहाँ पर ना कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं लैग्स के बारे में कि यहाँ पर आपको लैग्स देखने को मिल रहा है जब आप लॉक स्क्रीन से वेक कर रहे हो सिंगल टैप पर तो देखो लैग्स जो है यू में मुझे भी थोड़े बहुत देखने के लिए मिले बट सिंगल टैप पर जो मैं यहाँ पर बूट कर रहा हूँ मतलब अनलॉक कर रहा हूँ तो इसमें कोई इशू नहीं है जैसे कि वो भैया ने लिखा था एक दो सेकंड का लैग आ रहा है तो देखो वन टैप पे इतना ज्यादा लैग तो नहीं है हाँ थोड़ा डील है आई थिंक ये जो है एडजस्टेबल है और इतना ज्यादा लैग मुझे देखने के लिए नहीं मिला यहाँ पे तो ये रो नाम का जो यूजर है ये बोल रहा है कि मैं नया नथिंग ना नथंग क्या मैं टू पॉइंट से अपडेट कर सकता हूँ टू पॉइंट पर क्योंकि उसका बूट रूट अनलॉक है तो हाँ वो कर सकता है कोई इशू नहीं आएगा आप नॉर्मली कर सकते हो अपडेट और यहाँ पे एक भैया ने लिखा है कि रेडिट में उनको इशू आ रहा है आई थिंक ये पुराना इशू है रेडिट में जो है स्मूथली काम नहीं कर रहा है यानी कि स्क्रॉलिंग स्पीड में डिटल लैक्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे सिर्फ यहाँ पर रेडिट का लिखा है बाकी एप्लीकेशन स्मूथली काम कर रही है ऐसा लिखा है इसने सेंड लॉक स्क्रीन फोटोज विद इट लॉक स्क्रीन फोटो विजिट ये चीज तो मैंने चेक नहीं किया क्या ये अवेलेबल है या फिर आ, ऐसे ही लिखा है उसने तो मैं देख लेता हूँ लॉक स्क्रीन पर हम जाएंगे दोबारा से और इस विजिट की जगह हम दूसरा विजिट एड करके देखते हैं ओ यस तो ये तो ये मैंने पहले नहीं देखा था तो थैंक्स टू तो रेड गाय उसकी वजह से मुझे यहाँ पर लॉक स्क्रीन का फोटो विजिट देखने के लिए मिला है तो यहाँ पर फोटो विजिट हम लॉक स्क्रीन पर भी अभी ऐड कर सकते हैं लाइक दिस एक बार बैक करेंगे अभी अप्लाई हो गया है अब ट्राई करते हैं ओकेगा इस लॉक स्क्रीन के ऊपर फोटोज आप रख सकते हो तो ये तो बहुत ही कमाल का फीचर है ये अगर नथिंग पॉइंट ये अगर नथिंग फोन टू में था बीटा में, तो मैंने चेक नहीं किया सॉरी फॉर दैट देट में दोबारा चेक करके बताऊंगा बट बत यस यहाँ पर अगर लॉक स्क्रीन पर आप फोटोज रख सकते हो आपके वो भी ऑटोमेटिक चेंज होने वाले तो ये फीचर मुझे काफी सही लगा तो किसी ने लिखा है कि सैंड लॉक स्क्रीन कम्पस विदिट तो ये कंपस वाले जो विदिट है आई थिंक इन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ नथिंग फोन टू के अंदर है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हो सकता है अवेलेबल हो तो कंपस तो यहाँ पे नहीं है तो ठीक है है भाई नथिंग फोन के के अंदर तो वाला है तो वाला नहीं लॉक स्क्रीन ऊपर जो ग्रुप एडमिन है उन्होंने लिखा है पे टेस्टर्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो अगर आप कस्टम रूम वगैरह कस्टम डेवलपमेंट टेस्ट करना चाहते हो तो जाकर आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो पहले और एडमिन को आप मैसेज कर सकते हो ताकि डेवलपमेंट okay. में आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सके आ, ये जो है एक फीडबैक फॉर्म आया है नथिंग वो का तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो प्लीज आप उसके अंदर मैंशन कीजिएगा कि नथिंग आपका खुद का डायलर लेकर आए तो ये बहुत अच्छा रहेगा अगर वो अपना खुद का डायलर लेके आते हैं जैसे हमारे पास ऑक्सीजन डायलर हुआ करता था तो उसमें कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर है वो हम यूज कर पाएंगे विदाउट एनी अनाउंसमेंट तो ऐसा आप फीडबैक फॉर्म में फिल कर देना तो देखो यहाँ पे किसी ने लिखा है कि आफ्टर टू पॉइंट जीरो पॉइंट फोर इस बंदे को ज्यादा बैटरी बैकअप मिल रहा है तो अभी तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि इसमें बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिलेगा या नहीं क्योंकि अभी मैंने इसे यूज नहीं किया सिर्फ फ्लैश किया है तो इसकी एक डिटेल्ड अगर आपको रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट में ड्रॉप करो कि आपको एक डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो मैं इसको अराउंड टू थ्री डेज या फिर फॉर अ वीक जैसा आप बोलोगे वैसे टेस्ट करके आपके लिए अपडेट लेकर आऊंगा न्यू वीडियो आ, फुल रिव्यू फॉर टू तो कमेंट करके जरूर बताना और फिलहाल मैंने इसमें कुछ नया नोटिस नहीं किया अंडर द हुड में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक बंदे ने बैटरी का बोला है बाकी यहाँ पर लैगिंग का इशू है तो इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में सो so गाइस ये थे कुछ फीचर्स हमारे प्यारे नथिंग वो एस वन के ऊपर नथिंग वो एस टू पॉइंट जीरो पॉइंट फोर की अपडेट के अंदर एंड आई गेस नथिंग जो है अपडेट के मामले में बहुत अच्छा काम करता है नथिंग फोन पर भी नथिंग फोन वन पर भी जो अपडेट्स है वो ऑन टाइम हमें देता है सिक्योरिटी पैचेस हालांकि कभी कभी एक महीने पुराने रहते हैं बट अपडेट आ जाती है एक महीने के अंदर सो दैट इज अ ग्रेट थिंग नथिंग अगर ऐसे ही करता रहेगा तो आई गैस ब्रांड बहुत आगे जाएगा एंड येस नथिंग वो एस आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मेरे लिए बन चुका है ऑलरेडी वन यू आई के कंपेरिजन में इसको मैं भी ला सकता हूँ कभी ऑक्सीजन वेस्ट था बट अब वो लिस्ट में नहीं आता सो वन यू आई नथिंग वो एस एंड पिक्सलो एस ऑफकोर्स तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस ये मेरे फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ऐसे ही फॉलोअ वीडियोज चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक करें कमेंट करें शेयर करें कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो गए यूट्यूब का जो एल्गोरिजम है वो फॉलो करो ताकि वीडियो आगे तक जाए तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय थैंक यू एंड कीप फ्लैशिंग